तो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, तुमने देखी होंगी कि बैंगलोर में या फिर हैदराबाद में फ्लैट हंटिंग वगैरह क्या सीन होता है, फ्लैट्स वगैरह अगर तुम्हें चाहिए तो कैसे मिलते हैं। कई बार लोगों को नहीं मिलते हैं क्योंकि फ्लैट्स की कमी या फिर बजट मैच नहीं कर रहा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं मैच कर रही होती, या फिर फ्लैट मेट्स नहीं मिल रहे होते। तो इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पीजीज, ठीक है, या फिर को लिविंग स्पेसेस। तो को लिविंग स्पेसेस में क्या होता है, पीजीज तुम्हारे पेइंग गेस्ट होते हैं जिसमें तुम्हें खाना वगैरह मिल रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज वाली वीडियो में हम वही करने वाले हैं, एक पीजी एक को लिविंग स्पेस का टूर करने वाले हैं, वहाँ पर जाके लोगों से मिलने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं कि लाइक कैसा होता है एक बजट में रहना, ठीक है। अगर तुम्हारा बजट ही 10,000-15,000 टाइप है महीने का, इंक्लूडिंग सारी चीज़ें खाना पीना रहना, तो कैसे तुम रह सकते हो, क्योंकि अगर तुम फ्लैट में रहोगे तो तुम्हारा आराम से खर्चा 20-30K तक पहुँच जाता है, क्योंकि खाना पीना मेड वगैरह ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद लाइक करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पीजी का रहना कैसा होता है। मैंने भी आज तक कभी विजिट नहीं किया क्योंकि कॉलेज के टाइम पे मैं कभी हॉस्टल या पीजी में रहा नहीं, तो इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। तो भी साथ में लेके चलते हैं, लेट्स गो। क्या प्यारा मौसम रखा है, देखो। हाय गाइस, वी आर एट स्टैंजा लिविंग। अभी अभी यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों से बात करने वाले हैं और उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे रहने का, एंड अभी वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो पूरा उनका बजट वजट रहता है कितना रहता है। तो चलो लोगों से मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मिहिर। मिहिर, आप कहाँ से हो? वाराणसी। वाराणसी, आपका कितने टाइम से यहाँ पे? 4 months। 4 months से। तो मतलब कैसा लग रहा है ऐसे को लिविंग स्पेस? बढ़िया है, अच्छा है। आप स्टार्टिंग से को लिविंग स्पेसेस में रहने का ही मन पहला था ही नहीं, ऑप्टी यही किया सबसे पहले, मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा, कंपैरिजन में यही सबसे बढ़िया लगा। ओके, तो फिर इस एरिया में सबसे बेस्ट पीजी मेरे ख्याल से ऐसा है, तो मैंने यही फ्लैट फ्लैट देखने का ट्राई नहीं किया। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है, सही है, सही है। सो अभी आप कहाँ वर्क कर रहे हो? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक। अभी 2020 ग्रेजुएट हो, राइट? जी, सही है। सो लाइक पूरा एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? अच्छा है, मेस एरिया है, जो कॉमन लिविंग स्पेस है, जो ये जिसमें भी हम लोग बैठते हैं वो सबसे बड़ा है, अदर पीजी से अगर कंपेयर करें किसी भी, बाकी सबसे बड़ा है यहाँ का मैं। प्लस सर्विसेज अच्छी हैं, डेली क्लीनिंग है अल्टरनेट वीक्स अल्टरनेट डेज में। दूसरा फूड है, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, और जनरली और सब जगह क्या मोस्टली यहाँ पे साउथ के कारण साउथ ही मिलता है। राइट राइट। प्लस अपना कुकिंग ऑप्शन मिल जाता है, जैसे देख रहे हो आप लोग अभी भी कुक कर रहे हैं। जब मैं आया था तो यहाँ पे प्याज कट रहे थे। सही है, सही है। बाकी अपनी वॉशिंग मशीन से क्लोथ वॉश करने के लिए और जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, जैसे कि आज रिसेंटली लॉन्च हुआ स्टैंजा मार्ट भी। ओके, तो हम लोग को डिलीवरी ऑप्शन भी 3 o'clock नाइट तक स्टैंजा अवेलेबल कर देता है। हाँ, सो अराउंड कितना टोटल मंथली कितना खर्चा पड़ जाता है यहाँ पे आपको? टोटल अगर खाली पूरा कंपेयर करें तो 8,000 यहाँ के मेरा है, मेरा 4 sitting ऑक्यूपेंसी है, तो उस हिसाब से 8,000 है। ओके, बाकी लोगों का ऑक्यूपेंसी के हिसाब से डिफर करता है, बाकी और अपने ऊपर पर्सनल खर्चे तो सबके अपने हैं। हाँ, वो तो है, मतलब इन जनरल स्टैंड काफ़ी सही है, मतलब अगर फ्लैट वगैरह लोगे तो 10-15 हज़ार पर पर्सन से कम तो नहीं जाने वाला। फिर उसके बाद क्लीनिंग अलग, मेड अलग, खाना अलग, वो भी देखना पड़ेगा कि सामान क्या है नहीं है, वो तो वो सब हेडेक नहीं है। काफ़ी सही। तो यार दिस इज द ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे 3 beds है, सबके लिए एक एक लाइक स्टोरेज कंपार्टमेंट टाइप है, अपना कप सामान वामान यहाँ पे रख सकते हो आराम से, एंड एक कॉमन अटैच्ड वॉशरूम है। ठीक है, वॉशरूम भी दिखा देते हैं एक बार। दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम। तो यार यहाँ पे टेबल्स वगैरह नहीं होते, बट इफ यू वॉन्ट योर टेबल चेयर तो तुम आराम से अपना लाके सेटअप कर सकते हो। तो दिस इज अ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वन। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वन में इतनी स्पेस शायद ना हो कि तीनों टेबल लें, बट एक दो टेबल्स आराम से आ जाएंगे। अब हम चलते हैं सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले को देखने कि वहाँ पे क्या सिस्टम है। चलो, क्या है? सुमित। सुमित यार, ये यहाँ पे मस्त चिकन बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कैसा लग रहा है, मतलब खाना वाना बनाने में सब कुछ अवेलेबिलिटी है चीज़ों की? सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे थोड़ा फ्री फ्री एटमोसफेयर है तो बनाने में भी अच्छा लगता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है स्टैंजा का? स्टैंजा का एक्सपीरियंस लाइक मेरे को 4 महीने हो गए हैं, तो इट्स क्वाइट गोइंग गुड, बिकॉज सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल है, अभी तक काइंड ऑफ एवरीथिंग एट वन प्लेस एंड दैट टू विद हाइजीन, सो स्टैंजा इज लाइक गोइंग गुड। आपको अभी शेयर्ड लाइक 4 occupancy में रहते हो? कम 2-3? आई स्टे इन 3 occupancy। ओके, सो उसका आप कितना है चार्ज वगैरह? लाइक फॉर मी फॉर मंथली चार्जेस जो पूरा ओवरऑल मैं कंसिस्ट करता हूँ, मेरी पर्सनल कॉस्टिंग इट गो समथिंग अराउंड 10K। काफ़ी सही है। हाँ, इट्स लाइक गुड फॉर मी, इट्स गुड। नाइस। सही है। फ्री टाइम में क्या करते हैं आप, मतलब खेलने मिलने का, जिम विम का कुछ सीन है? फ्री टाइम लाइक मैं यहाँ पे पूल खेलता हूँ, टीटी खेलता हूँ, ये होता है, प्लस म्यूजिक, टीवी, ये सारी चीज़, चिल आउट एटमोसफेयर, और मैं
कुछ ज्यादा ही चल रहा था। वो हम पहले इनफॉर्मली बात कर रहे थे तो समझ आ गया था। आप कहाँ से हो? मैं हूँ जमशेदपुर झारखंड से। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। और हमारे एक और भाई है यहाँ पे, कैसे हो? एकदम मजे में। क्या नाम आपका? हर्ष। तो यार ये भी यहाँ पे काफी टाइम से रुके आप? थ्री मंथ्स। और हैदराबाद में कब से हो आप? हैदराबाद में तो 7 years हो, क्योंकि पढ़ाई यहाँ से करी है। ओके। और फिर जॉब भी आई है। ओके ओके। तो इससे पहले कहाँ रहते थे? मतलब इससे पहले रिलेटिव्स के साथ रहता था। ओके। फिर उधर से ऑफिस थोड़ा दूर वूर लगने लगा तो यहाँ आ गया। नया नया रहना स्टार्ट किया। सही सही। कैसा लग रहा है? नाइस। लाइक वही बोलते हैं ना, ज्यादा टेंशन नहीं, अपना चिल मारो, किसी का डर नहीं, अपने मजे में रहो। आप किस में रहते हो? डबल ऑक्यूपेंसी? ट्रिपल में ही। सही सही सही। तो इससे पहले कभी आप पीजी या फिर हॉस्टल टाइप रहे थे? नहीं, पहले कभी नहीं रहा था। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, इट इज़ लाइक पहली बार जब एक्सपीरियंस करते हो अच्छा लगता है। बिकॉज देखो, इट इज़ लाइक हर पीजी में लोग होते हैं, बट कांट टेल नो कौन से लोग अच्छे हैं, कैसे हैं, क्या है। यहाँ पे लोग भी अच्छे मिल गए, दोस्त भी अच्छे खासे बन गए हैं, एकदम चिल वाले। फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा? फर्स्ट एक्सपीरियंस एकदम सही है हॉस्टल का। अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि वो हॉस्टल में नहीं रुका इतने साल। सही है। कुछ एक ऐसी चीज़ जो पीजी, इस वाले पीजी की सबसे अच्छी लगती है शानदार की? यहाँ पे ना इट इज़ लाइक दूसरे पीजी से कंपेयर करो, लाइक वहाँ पे ना लोग किसी से बात नहीं करते अपने काम से काम। यहाँ पे हर जन सबसे बात करता है, अपना ये आरसी वगैरह ले लो, मैनेजर, सब एक दूसरे से बात करते हैं। चिकन बनाया जा रहा है मिलके। हम ऐसे करते, कभी कुछ खाने का मन करते बाहर चले आ बना के खा लिए, वो भी एक अच्छा खासा फैसिलिटी है। काफ़ी सही। टेंशन नहीं है किसी चीज़ का। चलो सही है। नाइस मीटिंग। जो इंटरनेट है वो हाई स्पीड इंटरनेट है, अनइंटरप्टेड। प्रोफेशनल हाउस कीपिंग है, सैनिटाइजेशन है, तुम्हारे रूम्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं, रोज क्लीनिंग होती है। इसके अलावा तुम्हें ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं देनी होती है, इजीली तुम मूव इन कर सकते हो। तुम्हारा एंटरटेनमेंट लॉन्च है तुम्हारे पास, इंटरैक्टिव कॉमन एरियाज एंड गेमिंग जोन है जो तुमने देखे, तुम वहाँ पे खेल सकते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, टीवी पे काफी चीजें देख सकते हो। अब ये जितनी भी सर्विसेज हैं बाकी जो तुम्हारे पीजीज हैं या अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड स्टैंडा ये तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड करता है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जो कि काफी मस्त चीज है। सर, दिस इज द सिंगल शेयर ऑक्यूपेंसी वाला रूम, ठीक है? इसका जो लाइक कॉस्ट वगैरह है अराउंड 20,500 समथिंग है। दिस इज एसी वाला रूम, विदाउट एसी का थोड़ा कम होता है, 4,000-5,000 लेस। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब तुम्हारा खाना, तुम्हारा सफाई वगैरह सब तुम्हें मेड, या फिर तुम्हें अपने फूड वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, कुक की टेंशन नहीं लेनी है, इसमें वो सारा इंक्लूड हो जाएगा। एंड कॉमन तुम्हारे वॉशिंग मशीन है, अगर तुम्हें कपड़े वगैरह अपने खुद धोने हो तुम धो सकते हो कॉमन वॉशिंग मशीन में, एंड सारी चीज़ें और एक्सेस कर सकते हो। तो इसके साथ तुम्हारी जिम मेंबरशिप वगैरह भी इंक्लूडेड है, जिम भी एक्सेस कर सकते हो, नॉर्मल जो कॉमन एरिया है सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब तुम इसको अपने हिसाब से साइड वाइड कर सकते हो, अपनी चीज़ें ला के यहाँ पर रख सकते हो, अगर तुम्हें टेबल चेयर वगैरह चाहिए यहाँ पर रख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। एंड यहाँ पे भी कबर्ड्स हैं दो अपना सामान वगैरह रखने के लिए, एंड अटैच वॉशरूम, एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा है। जिम तो है, आके यहाँ पे जिम विम कर सकते हो, वेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा थोड़ी बहुत लाइक इक्विपमेंट्स हैं। ये वाली जो मशीन है इसमें मतलब सारे हो जाते हैं, मुझे बैक, चेस्ट, सब कुछ। तो ये दो मशीन्स हैं सेम। सो यार, तुम लोगों को ना फुली फर्निश्ड मैनेज्ड अकोमोडेशन मिल जाते हैं यहाँ पे। खाना जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी खाना तुम्हें मिलता है, ठीक है? होम कुक्ड फूड, COVID-19 कॉम्बैक्ट रेडी रेजिडेंट्स हैं सारे, ठीक है? यहाँ पे सारे COVID-19 रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह फॉलो होते हैं। इसके अलावा दे हैव एन ऐप, टेक एनेबल्ड है, ऐप पे तुम्हारे डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, कूपन्स वगैरह मिलते हैं, लीव्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, फीडबैक वगैरह दे सकते हो चीज़ों का। इसके अलावा मल्टी टीयर सिक्योरिटी है, गेट पे घुसते सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे ID कार्ड्स वगैरह चेक होते हैं, और वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है? अलग अलग ऑफिस से, कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था। क्या नाम आपका? अभिषेक भटनागर। कहाँ से उड़ीसा से। सो लाइक कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? कितने टाइम से रह रहे हो चांदा में? ओवर थ्री मंथ्स। नाइस। फूड कैसा? इट्स फार बियॉन्ड ऑल द पीजीज नियर बाय और वेयर एवर आई हैव स्टेड इन हैदराबाद। ओके, सो यू हैव बीन इन हैदराबाद कितने टाइम से? लाइक ओवर 12 years। 12 years? यस। ओह अमेजिंग। क्या योर कॉलेज वाज हियर? यस, माय कॉलेज, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई केम हियर। ओके, फॉर कोचिंग? फिर कोचिंग के बाद +2। हाँ। एंड +2 के बाद इंजीनियरिंग जॉब एंड एवरीथिंग। ओके अमेजिंग यार। सो इससे पहले काफी पीजीज वगैरह में रहे होंगे? यस, मोर देन 25। 25? यस। एंड दिस वन इज द बेस्ट? 12 years। अमेजिंग। एंड दिस वन इज द बेस्ट वन यू हैव बीन विद?
this is far beyond every other place. Paid नहीं है. He is genuine. So मतलब खाना वगैरह कैसा है? Yes, it's good for anyone who is coming from any part of India because the varieties are like there are multiple varieties. Mm-hmm. South Indian people, North Indian people, everyone can manage to get all right, kind right. of food here because there is not just one specific kind of menu fixed for a day or even for a meal. Okay. There are varieties. Multiple. For, yes, multiple varieties. Okay. It's like, nice. And आप कौन से occupancy में रह रहे हो? Sharing, double. I'm staying in single sharing. Single sharing. Yes. So how is the experience of that? Yeah. So single sharing is complete privacy I needed, so that's why I chose that. And after which, the generator and the facilities and the common space and the water facility, everything is very good, and the internet connectivity is also. Amazing. Like I cannot say anything more than that. Yeah. Great, yeah. So, मतलब main जो basic necessities होती हैं, खाना and water, electricity. Yeah, anyone coming to any PG will look for four things. One is good connectivity, which we should find from our companies. Second is good food. Third is good place to stay, and the fourth most important, which is internet connectivity. Right. So these four things are part. Like I would say this is good here. Great. Yeah. So this one is quite near to Microsoft, Amazon as well as Wipro, yes. Infosys. In सबके campus से काफी close है और काफी सारे tech park से भी काफी close है. Correct. It's around 2 to 3 kilometers का distance from all these offices and tech parks. So वो काफी सही चीज है. Yes. And even if anyone wants to get connected to Indranagar DLF, this is not that far from. Yeah. Right. Great. काफ़ी सही था पूरा पीजी वगैरह एंड खाना वगैरह सब कुछ सफाई वफाई सब बढ़िया काफ़ी. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. तुम्हें लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर तुम्हें स्टैंड जाएगा कोई और अपने सिटी वगैरह में चेक करना है तो कर सकते हो. अब चलते हैं काम पे.